इस टेंपल ज्वेलरी की तरह एकदम ब्यूटीफुल हमेशा एवरग्रीन रही हैं ऋतु शिवपुरी. क्या बात कर रहे हैं, आप भी उन्हें पसंद करते हैं? यू नो व्हाट, फिर तो बहुत मज़ा आएगा और आप उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करेंगे जब आप ऋतु शिवपुरी के साथ अच्छे से जान पहचान कर लेंगे. आर यू रेडी फॉर दिस डे आउट? इस लाल दुपट्टे वाली को कोई नाम की जरूरत नहीं, भले इस गाने को 25 साल हो गए हों, लेकिन आज भी ऋतु शिवपुरी की पहचान है लाल दुपट्टे वाली. लेकिन रियल लाइफ में ऋतु शिवपुरी एक अभिनेत्री है, एक गृहिणी है, एक माँ है और उससे ऊपर एक खूबसूरत अदाकारा है जिनकी खूबसूरती हमेशा सदाबहार है. यकीन नहीं होता तो देखिए इनकी ये लेटेस्ट फोटोशूट. भैया अभी भी इनकी डांसिंग में वही तेवर है जो 25 साल पहले फिल्म आंखें में थे इस गाने पर, जिसका नाम है लाल दुपट्टे वाली. जरा नाम तो बता, रियल लाइफ में कैसी है ऋतु शिवपुरी, कैसा है उनका घर? क्या आप जानते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बा की रियल बेटी है ऋतु शिवपुरी? घर में कैसे, अपने मंदिर में उन्होंने अपनी मम्मी और पापा की तस्वीरें लगाई हैं, घर को अपने हाथों से चुनिंदा चीजों से सजाया है, सुबह सुबह उठकर पीती है मॉर्निंग टी, डांस करती है अपने फेवरेट गानों पर, अपने डॉगी के साथ खेलती है और अपने पति और दो बच्चों का ख्याल रखती है. लेकिन जब आती है शूटिंग की बारी तो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कर बन जाती है ग्लैमर गर्ल, जो आज की लड़कियों को भी देती है कड़ा मुकाबला. तो ऋतु शिवपुरी को और करीब से जानने के लिए आज उनके साथ पूरा दिन बिताएंगे, देखेंगे कि उनका घर कैसे सजा हुआ है, झांकेंगे उनके यादों के झरोखे में, देखेंगे कि कैसे वो अपने शूट के लिए तैयार होती है, कैसे उन्होंने अपने ग्लैमर को सदाबहार रखा हुआ है, कौन सा मेकअप यूज करती है और कौन है वो लोग जो उनके साथ पिछले 22 साल से जुड़े हुए हैं. तो बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं ऋतु शिवपुरी के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए प्लीज आइए. ये हमारे सबसे छोटे मेंबर ऑफ द फैमिली मैक्सिमम, से हाय, कम ऑन लेट्स गो इन, कम ऑन लेट्स शो देम द हाउस. आइए, ये मेरी, देखिए क्या टाइमिंग है चाय देने का, ये 17 साल से मेरे साथ है मेरी कुक अरीफा. आइए, हाय, वेलकम टू सास बहू और बेटियां, मैं हूँ आपकी अपनी ऋतु शिवपुरी, वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया, मेरा घर. आज आपको अंदर से दिखाऊंगी मेरा घर और मेरी लाइफ, और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो शूट करने वाले हैं, उसमें भी आपको ले जाएंगे. आइए, कम विद मी. हाल ही में ऋतु शिवपुरी को आपने सीरियल विश में और इस प्यार को क्या नाम दूं में देखा था, लेकिन वो दरअसल एक फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. उनकी माँ सुधा शिवपुरी टेलीविजन की दुनिया की बा हैं, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पूरे 8 साल तक सीरियल्स की दुनिया को नया नाम दिया. उनके पिता ओम शिवपुरी बॉलीवुड की फिल्मों के जाने पहचाने नाम थे. आज ऋतु के साथ उनके मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन यादें अभी भी उन्होंने अपने घर में सजोई हुई हैं. मुंबई में तो मैं जब 1 साल की थी तब पापा यहाँ शिफ्ट हुए थे. मम्मी और पापा मिले थे जब वो लोग थिएटर में साथ काम करते थे, दे डिड NSD टुगेदर, तो वहाँ उनका इश्क विश्क हुआ. तो 10 साल वेट किया क्योंकि मेरी मम्मी राजपूत और पापा कश्मीरी पंडित थे, तो इंटरकास्ट उस वक्त तो हिंदू हिंदू में भी वो लोग थोड़ा कश्मीरी थोड़ा पर्टिकुलर होते थे कि अपना कश्मीरी से ही शादी करना है, बट ऑफकोर्स लव वन और प्यार की जीत हुई और उन्होंने शादी की. तो पापा को फिल्मों के ऑफ़र आने लगे और उसी तरह वो लोग यहाँ बॉम्बे आए. मैं 1 साल की भी नहीं थी जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए थे. तो ये मेरा घर है, शादी के बाद का घर. आपको याद होंगे ये है मेरे मम्मी पापा ओम शिवपुरी सुधा शिवपुरी, एंड दीज आर माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड,
That's my mother. And that is my papa when he was young. I look exactly like him. बिल्कुल उनकी तरह लगती हूँ अगर आप देख सकते हैं तो. अगर आप पापा को 20s में देखेंगे तो बिल्कुल मेरा चेहरा उनका चेहरा एकदम आइडेंटिकल है. And yes, this is my house. ऋतु आजकल मुंबई में अपने पति हरि वेंकट और अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ रहती है. भाई इन्हें इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक है और अपने घर को इन्होंने अपने हाथों से सजाया है. ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे लक्ष्मी गणेश और बाबा की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं. बाकी हमारे बड़े बुजुर्गों की जो नहीं है हमारे साथ पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी फ़ोटोज़ है मेरे मम्मी पापा की, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा की. तो दिस इज़ माई पूजा प्लेस. आपको याद है ना वो गाना लाल दुपट्टे वाली, जरा नाम तो बता. 90s की सुपर फिल्म आंखें का ये गाना ऋतु की पहली फिल्म का है जहां वो गोविंदा और चंकी पांडे के साथ झूमती हुई नजर आई. मैं एक्चुअली टीवी का मुझे सिर्फ एक चीज खलती है कि मुझे नचाते नहीं है, वो भी नचा दिया विश में, नचाया भी मुझे. दे डिड डोला रे डोला, हाँ दे डिड डोला रे डोला, दे मेड मी डांस ऑन इट. बट आई एम जस्ट सेइंग मेरे को एक ही चीज़ मैं मिस करती हूँ, गाने मिस करती हूँ. डांसिंग रिलेटेबिलिटी है, लोग कितने भी मतलब बड़े हो जाए, हम हमारी उम्र कुछ भी हो जाए और छोटे छोटे बच्चे आज तक वो गाना यू नो दे आर डांसिंग ऑन इट. मुझे बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं किसी की पार्टी से मेरे फ्रेंड्स, या क्या आपका गाना बज रहा है. तो फर्स्ट एज अ माइंड ब्लोइंग कमेडियन तो वो तो ऐसा सीन कर जाता था कि हम लोग मतलब पागल हो जाते थे. इतना मुश्किल होता था स्ट्रेट फेस रखना कि सीन में भाई हमें हंसना नहीं है, गुस्सा रहना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता था बिकॉज ही वॉज सो फनी इन द सीन. वो कहीं से भी पीछे से आके कुछ करके चला जाता. प्रैंक तो मेरे साथ नहीं किया बिकॉज आई थिंक पापा को सब जानते थे तो थोड़ा डर के काम करते थे. ओम शिवपुरी की बेटी है तो मेरे साथ मतलब प्रैंक वैंक तो नहीं, बट मेरे को थोड़ा प्रोटेक्टिव, जैसे कि नहीं ओम जी की बेटी है करके थोड़ा मुझे एक प्रोटेक्शन ज़्यादा मिला. प्रैंक नहीं मगर हंसी मजाक तो मतलब पूरा दिन चलता था सेट पे. भाई डांसिंग और घर को सजाना संवारना उनकी फेवरेट हॉबी है क्योंकि घर को उन्होंने अपने हाथों से सजाया है. इतनी मुश्किल से हर जगह दिखेगा भी नहीं आपको, बट मुझे इतना मतलब शौक है कि हरा रहना चाहिए हर जगह. सो इनफैक्ट दिस इज़ अ रेयर प्लांट जिसको छाँव में ही पनपता है. मतलब यहाँ पे मतलब सेमी धूप आती है तो इट्स डूइंग वेरी वेल. दिस इज़ अ प्लांट विच प्योरिफाइज द एयर. ये मतलब हवा को प्योर करता है ये वाला प्लांट. तो ये यहाँ है, अंदर ज़्यादा नहीं रख सकते बहुत ज़्यादा प्लांट्स बिकॉज ज़्यादातर प्लांट्स को सनलाइट और सब की ज़रूरत होती है. दैट्स लाइक अ कैंडल स्टैंड, आई लव कैंडल्स एंड वट एवर. सो दैट्स माई शैंडलियर. मेरे को बहुत ज़्यादा ऑर्नेट नहीं बट आई लाइक लिटिल मोर. सो दिस इज़ अ कैलकटा मिरर. ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में. और ये एक मिरर है जिसको मैंने खुद हाँ जी, तो ये मिरर मतलब मैंने ही डिज़ाइन किया था. ये मुझे गोवा के मेले होते हैं ना वहाँ पे जो नाइट मार्केट्स, सो दे हैव लॉट ऑफ दीज टिबेटियन लोग आते हैं अपना सामान बेचने. तो मुझे ये गणेश हेड्स मिले थे तो मैंने फिर ये ऐसे डलवाए इस मिरर पर बिकॉज इट वॉज टू डार्क. कई ये सब चेयर्स वेयर्स का डिज़ाइन मैंने ही किया है. दीज चेयर्स आर बीइंग हैव बीन डिज़ाइन बाय मी ओनली. ये बनवाया है मैंने, हाँ. And these are two of my Buddhas, which are my favorite paintings. And वैसे ऋतु अपनी सुबह की चाय अपनी इस बालकनी में बैठकर पीती हैं और अपने आप को करती हैं रिलैक्स.
रितु ने यूं तो सुपरहिट फिल्म आंखें से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ खास फिल्में नहीं की। बट हमने हमेशा अपने दायरे में जो इज्जत से काम आया उसको किया। यू नो आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ओवर, इसलिए मैंने कभी आई हैव नेवर जॉइंड दिस मी टू का सर्कस, मैंने कभी उसमें ज्वाइन नहीं किया। मुझे बहुत फ़ोन आते थे, बट ऑब्वियसली हम सबके साथ ही एपिसोड्स हुए हैं। और बेवकूफ़ी है बोलना कि नहीं है, इंडस्ट्री बहुत क्लीन है। ये इंडस्ट्री नहीं, बाहर भी जहाँ मेरी फ्रेंड्स हैं जो यू नो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, देर इज़ दैट प्रॉब्लम वेयर मैन एंड वेमेन वो थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश या थोड़ा होता है औरतों के साथ। एंड हमने जब वो नहीं सकम किया तो वी चोज ओनली द वर्क दैट केम इज्जत से और प्यार से। बाद में उन्होंने हरी वेंकट से शादी कर ली और काफी दिनों में फिर फिल्मी दुनिया से गायब रही। हरी को मैं मिली थी किसी फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स थे तो हम एक्चुअली एक दूसरे को 6-7 साल जानते थे एज फ्रेंड्स, और फिर हो गया। आई हैव टू ब्यूटिफुल किड्स, आई हैव ट्विंस, जुड़वा है 12 साल के, अभी अगले साल मई में टीनेजर्स हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी 13। फिर वो लौटी थी इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, और उसके बाद उन्होंने कई और सीरियल्स किए। मतलब मैसेजेस भी आते रहते, आपकी शादी हो गई, मैंने कहा मैं दो बच्चे हैं, शादी हुई की बात नहीं होती। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल होप दैट आई एम नॉट मैरिड। ऐसा नहीं कि मैं लगती नहीं हूँ, शायद वो उम्मीद रखते कि शायद शादीशुदा नहीं होगी। तो भाई क्या है ऋतु शिवपुरी की खूबसूरती का राज? भाई ये जानने के लिए आज हमें देखना पड़ा उनका एक फोटोशूट, जहां वो एक बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में अपना मेकओवर करेगी। तो अब हमारा फोटोशूट स्टार्ट होगा, जो आज मेरे घर में कर रहे हैं। पहली बार मैं एक्चुअली फोटोशूट घर में कर रही हूँ। आज के फोटोग्राफर हमारे हैं विजय सवनानी जी, प्लीज कम विजय जी। दिस इज विजय एंड ही इज बीन वॉन्टिंग टू शूट विद मी फॉर 2 years, वी हैव बीन ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट और हुआ नहीं है, तो आज फाइनली हम शूट करने वाले हैं। और मेरे पुराने 2 decade से ज़्यादा जिन जो मेरे को मतलब देखने लायक बनाते हैं वो हैं सुभाष सिंह। ही इज़ डन लॉट ऑफ वर्क विद मी, ही इज़ बिन वर्किंग विद मी। एंड देयर इज़ माय रेखा जी, जो हमारी इंडस्ट्री की सेकंड रेखा जी हैं, वो बाल में मैजिक करती हैं, ये फेस पे मैजिक करते हैं, तो ये विजय जी का काम आसान कर देते हैं। कौन सा पहला था कौन सा आखिरी था, हमारा काम जब से चालू ही है। मतलब मैंने बीच में ब्रेक ले लिया, बट इन्होंने मुझे तंग करना बंद नहीं किया कि मैम वापस काम करो। इसने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया था जब शादी की मैंने। हाँ, तो ही सेड क्यों इंडस्ट्री छोड़ रहे हो आप, क्यों काम बंद। सबसे फेवरेट, साथ देंगे और साथ रहेंगे एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अब आपको फोटोशूट तक ले चलते हैं, आइए। तो भाई ऋतु की पुरानी टीम आज एक बार फिर से जमा हुई है, क्योंकि आज वो अपना वही जादू बिखेरने वाली है। तो शुरू करते हैं उनका फोटोशूट। सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट सुभाष ने उनका मेकअप शुरू किया। चेहरे के रंगत बदली गई और उसके बाद उनकी हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके बालों को एक नया अंदाज दिया। मैं ऋतु शिवपुरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे घर में। आज एक फोटोशूट हो रहा है, तो कम स्पेंड द डे विद मी, यू हैव द होल आफ्टरनून। वी स्टार्टेड 2 changes इन द मॉर्निंग, कैजुअल लुक से थोड़ा फिर डेनिम लुक किया, अभी ब्लैक में है, 1 black इज ऑलवेज नीडेड। So like a full black dress, this is always classic. And then we have 1 more exciting change coming up. Ek aur achha exciting change aa raha hai, glamorous wala. Look number 1 hai ye black look, jahan par is black dress mein Ritu kisi bhi aaj ki ladki se kam nahi lag rahi hai.
अब देखते हैं उनका लुक नंबर टू, जहां पर बालों का हेयर स्टाइल अलग है और साथ साथ उनके कपड़ों की स्टाइलिंग भी। पहले ब्लैक था, अभी ये मेरा सेकंड लुक है। ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मुझे 20 साल से ज़्यादा संभाल रहे हैं, मेरे शक्ल को देखने लायक बना रहे हैं, सुभाष सिंह। उनकी एकेडमी है, आप जरूर विजिट करिएगा सुभाष सिंह की एकेडमी। और मेरी रेखा जी भाग गई हैं, 22 साल 22 years we have been together. कैमरा शायद खुद ने मेकअप नहीं लगाया तो भाग गई है। बट मैं आपको उनसे जरूर बात करवाऊँ। ये रेखा जी हैं, अगेन मोर देन 2 decades से रिश्ता है हमारा। ये मेरी टीम है और मैं इनसे, मतलब आप देख रहे हैं, आप मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं कैमरा पे क्योंकि इन लोगों की वजह से। सो थैंक यू, वॉच द नेक्स्ट स्टेज। भाई आप जरा इनके फोटोशूट पर नजर आइए, क्या आदाएं, क्या जलवे। अभी ने देखकर कौन कहेगा कि ये 2 बच्चों की मम्मी हैं। भाई इनकी त्वचा से इनकी उम्र और एक्सपीरियंस का पता ही चलता। और ये प्रेरणा है सभी के लिए कि हमेशा फिट और खुश रहना चाहिए। और इस फोटोशूट के साथ खत्म हुआ ऋतु शिवपुरी के साथ सास बहु और बेटिया का डे आउट। बहु बेटियों के साथ मेरा हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहता है। एंड बहुत मजा आया, आप लोग मेरे घर आए, मेहमान बनके आते रहिएगा, मैं बुलाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो उम्मीद है फिल्मों और टीवी की अभिनेत्री के साथ दिन बिताकर आपको ऋतु शिवपुरी के बारे में छोटी छोटी अनजानी बातें पता चली होंगी कि वो कैसे माँ, बीवी और अभिनेत्री होकर भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाती है और कैसे अपने घर को हमेशा रखती है टिप टॉप और खुद को भी रखती है टिप टॉप। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ दिन बिताया। होपफुली आपको मजा आया होगा शूट देख के, मेरा घर देख के। आज पहली बार किसी को मैंने अंदर घर में इनवाइट किया है कैमरा के साथ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी ऑल डे एंड गिविंग मी सो मच लव। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।